नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से चौतरफा घिरे हुए हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बदली हुई परिस्थितियों में मोदी जी जिन्हें जो एक बीते जो एक दशक है उसमें जो राजनीतिक दलदल पैदा किया है, वो दलदल अब कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए बहुत गंभीर मुसीबत, गंभीर परेशानी का सबब बन चुका है। वो जितना इस दलदल से उबरने का प्रयास करते हैं उतना ही उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। अब जो विपक्ष है इस बार वो भी बहुत अग्रेसिव है, कोई अवसर छोड़ नहीं रहा है। तो जो एक कह लीजिए कि खोड़ में खाज कैसी स्थिति बार बार बन रही है कि वो न केवल विपक्ष से उन्हें निपटना है बल्कि जो दल के भीतर की कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, साथ साथ जो NDA है उसे कैसे अबेर कर रखा जाए, उसे कैसे जो बैसाखियां हैं वो बैसाखियां कहीं हाथों से छूट ना जाए, छिटक ना जाए, ये भी उनके सामने चुनौती है। तो तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बीच जो भी कोशिश प्रधानमंत्री जी की ओर से हो रही है या उनके दल की ओर से हो रही, टीम की ओर से हो रही है, लगता यह है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती के तौर पर उभर रही है जो मुश्किलें कम करने की बजाय बढ़ा रही। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मसले हैं जिन्होंने अभी बीते महीने भर से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाले, सत्ता संभाले, लेकिन बार बार नई नई कठिनाइयां, नई नई मुश्किलें, नई नई चुनौतियां सामने चली आ रही हैं। और अभी तो स्थितियां ऐसी हैं कि जो मैंने दल की बात की, दल है RSS है जो कहीं ना कहीं कभी कमांड किया करता था, वो नेपथ्य में जरूर है, लेकिन अब जो कमजोरी है, दिक्कतें हैं, उन सबके बीच आवाजें वहां से भी आ रही हैं, मुखर हैं, सांकेतिक हैं, लेकिन साहब को परेशान तो कर रही हैं। उनके जो सहयोगी हैं सत्ता के, जो खास सहयोगी, वो कठिनाई में हैं। और अभी जो कुछ UP में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा जो 22 जुलाई से शुरू हो रही है, उस यात्रा के ठीक पहले और उसके और पहले जब योगी वर्सेस मोदी की बातें बार बार होती थी और उस बीच में अभी हाल ही में इस सप्ताह में ही कुछ ऐसी स्थितियां बनी और उन स्थितियों के बाद जो ये कावड़ यात्रा वाला जो मामला है जिसमें एक आदेश हो गया है, पहले वो प्रशासनिक आदेश था, अब तो सरकार ने ही आदेश दे दिया, और सरकार ने आदेश दिया तो उस यात्रा को लेकर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को भी सतर्क सजग होना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, चौतरफा जो परेशानियां हैं, इन्हीं सब पर हम बातचीत करने के लिए चलेंगे। हमारी जो शाम 6 बजे की डिबेट होती है, खास पैनल हमारे से जुड़ गया है। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, हमारे साथ सुधीर सक्सेना साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी हैं। सुधीर जी और अरुण जी, लंबा अनुभव आपका जर्नलिज्म का है, 4.5 दशक से ज्यादा का समय आप लोगों को जर्नलिज्म में हुआ और निरंतर देश और दुनिया पर निगाह रखना, नजर रखना, पैनी निगाह रखना, मीनू जी भी निगाह नजर रखती हैं और उन पर टिप्पणियां बेबाकी से करती हैं, शानदार बोलती हैं, खरा खरा बोलती हैं। मैं दर्शकों को बार बार जब शुरुआत करता हूं चर्चा का तो स्मरण कराता हूं। अरुण दीक्षित साहब को कहीं जाना है हमारे साथ, और भी हमारे जो आज पैनलिस्ट हैं जुड़ने वाले हैं, उनके आने के पहले चूंकि समय हमारा हो चुका था तो शुरुआत हमने की है। अरुण जी, शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा कि जो रायता फैल गया है यूपी से और उसके पहले से चीजें चल रही हैं और NDA में जिस तरीके से उनके अपने सहयोगी दलों ने भी अब इसमें आंखें तिरछी की हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी पेशानी पर बल दिख रहे हैं। जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है लेकिन उनका अपना है, और जिस तरीके से सर्वधर्म संभाव को लेकर चलने वाला, चाहे वो JDU हो या फिर चिराग पासवान का दल हो, सब कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम मैंने जिसका जिक्र किया उत्तर प्रदेश वाले साहब उससे दुखी हैं। ऐसे में कैसे इसको सबको देखा लिया जाए? अब बहुत निकट बजट भी है और ये भी निकल कर आया था कि कुछ मोदी जी जो है राहुल गांधी को राहुल गांधी के ही हथियार से मारने की कोशिश हुई, लेकिन उन सबके पहले, बजट आने के पहले ये जो कठिनाई या मुश्किल ये उनके लिए कठिनाई है, BJP के लिए, NDA जो जिसे संभाल के रखना है मोदी जी को उसके लिए, बचाए रखने के लिए, या कुछ एक ये सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है? अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं
जिस मुद्दे पर हम आप बात करने जा रहे हैं, बीजेपी है कहाँ? बीजेपी जो जनसंघ के बाद बनी, जिसको बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बाग, लाल कृष्ण अडवाणी, वसुंधरा यशोधरा, राजमाता विजया राजे सिंधिया, ये जो पुराने लोग थे जो बीजेपी बनाई थी, उसमें आंतरिक लोकतंत्र था। जिस बीजेपी को एज प्रेसिडेंट टेक ओवर किया अमित शाह ने, और रिमोट कंट्रोल जिसका आया नरेंद्र मोदी के हाथ में, वो फिर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनी जिसमें दो ही लोग थे, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। उसके बाद सबको हुक्म मानना था, किसी की कोई राय की इज्जत नहीं थी, किसी की कोई इज्जत नहीं थी। और आप देखिए, आज इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रमाण के तौर पर बताता हूं कि योगी की कैबिनेट देखिए, चाहे वो पहले बार की कैबिनेट में थोड़ा संतुलन था, 2019 में उन्होंने जो किया, सारे बीजेपी के बड़े चेहरे या तो बिल्कुल एकदम दबा दिए गए हैं, चाहे वो राजनाथ हो, क्या भूमिका है राजनाथ की, और या फिर जो युवा चेहरे थे उनको सबको बाहर कर दिया। तीसरे टर्म में आते आते और स्थिति साफ हो गई। दरअसल नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि भारत की जनता ने उन्हें वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया है, और इसकी वजह से उन्होंने जो जिस तरह की दादागिरी की, उसको स्पष्ट अब आप देखिए, जिन राज्यों में सबसे पहले जब वो गुजरात से निकले, तब उन्होंने गुजरात में कैसे बीजेपी की पूरी स्थापित लीडरशिप को खत्म किया, अपने लोगों को खड़ा किया, अपने लोगों को लाए। उसके बाद वो जब आए तो उन्होंने कहां कहां प्रयोग किए, राजस्थान को, सॉरी हरियाणा को पहले देखिए, हरियाणा के बाद फिर आप हिमाचल को देखिए, हिमाचल के बाद आप उत्तराखंड को देखिए। मतलब आदमी चुनाव हार गया मुख्यमंत्री कुर्सी पर, लेकिन इन्हें बनाना है। ठीक इसी तरह से जो प्रयोग किए, अब आज ठीक है अनुराग ठाकुर के पिताजी प्रेम कुमार धूमल कितने बड़े नेता थे, लेकिन जयराम ठाकुर उनकी जगह मुख्यमंत्री बन गए थे। पूरा जीवन जिन लोगों ने हरियाणा में मार खाई, बीजेपी के तीन चार लोग थे, एक रामविलास शर्मा थे और एक अनिल बिज थे और एक दो लोग और जिनको हम लोग जानते थे, उनकी भूमिका नीचे हो गई। मुख्यमंत्री कौन बना? खट्टर। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सेवादार थे जब वो हरियाणा के प्रभारी थे। तो नरेंद्र मोदी ने जो पार्टी चलाई वो मायावती की तर्ज पर पार्टी चलाई, जयललिता की तर्ज पर पार्टी चलाई, और बाकी ऐसे और उदाहरण नहीं है। यही दो महिला नेताओं के हैं कि जिसको चाहे जो चाहे, मुलायम सिंह भी अपनी पार्टी, ममता भी अपनी पार्टी में थोड़ा लोकतंत्र रखे हुए। तो उसके बाद जो हुआ है वो आज आपके सामने है। मनमानी होनी है, आईएएस अफसर मंत्रिमंडल में है, और जिन नेताओं ने पूरा जीवन दे दिया, आप और हम भोपाल में बैठे हैं, भोपाल की हालत देखिए ना, कहाँ है? चौथाई सरकार जो है कांग्रेस की है, 32 में से 8 जो है कांग्रेस ही है, और हर जगह स्थापित नेताओं को नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया है। सबसे ज्वलंत और ताजा उदाहरण जो है वो मध्य प्रदेश का है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 163 सीटें जीती गई थी, लेकिन उन्हीं के हाथ में पर्ची पकड़ा दी कि आप मोहन यादव का नाम लेंगे। ये नरेंद्र मोदी, ये दादागिरी है नरेंद्र मोदी की, उनका दबदबा है, और उनसे सीनियर शिवराज सिंह चौहान मुंह नहीं खोल पाए, ये कौन सा डर था? क्यों? क्योंकि जिस तरह लोगों को 2018 में एक बैठक भोपाल के समन्वय भवन में हुई थी, उसमें तब बड़े बड़े नेता जो पितृ पुरुष थे बीजेपी के, वो पहली रो में बैठे थे, और वहां मैंने अमित शाह का भाषण, हालांकि मीडिया अलाउड नहीं था, पर हम चोरी से घुस गए थे, और जो भाषा और जो शैली थी उनकी, मतलब बिल्कुल तुम लोग हो ही नहीं कुछ। अब कैलाश जोशी और सुंदरलाल पटवा जैसे लोग सामने हो, और वहां यह कहा जाए आप लोग घर जाके सोचना कुछ भी नहीं हो, आप नहीं हो, पार्टी है जो कुछ है। तो इन लोगों ने जो मनमानी की, आज उसका खामियाजा भुगतने के लिए इन्हें तैयार रहना होगा। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से गदर मचा हुआ है भाई, किसको उभार रहे हैं? अमित शाह ने केशव मौर्य को हवा दी हुई है। केशव मौर्य की खासियत यह है कि वो जो अति पिछड़ा है, काछी और कुर्मी ये सब वाले वर्ग से, काछी वर्ग से आते हैं, उनका 8.5 का जनसंख्या में वो है, और उनकी खासियत यह है कि वो एक विधानसभा चुनाव जीते हैं और एक लोकसभा चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव हार गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। अब वो 98 से लगातार जीत रहे योगी आदित्यनाथ के सामने वो एक नया चेहरा
खड़ा करके और ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो अति पिछड़ों की पार्टी है, उसका क्योंकि अखिलेश यादव का मुकाबला है, दलित जो है खासकर जाटव जो है वो मायावती के साथ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिश थी कि वो उन सब जातियों को जिसमें एक बड़ा समाज है उनको अपने साथ जोड़े, तो उनका नेता बना दिया केशव मौर्य को। अब केशव मौर्य की हैसियत यह है कि वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे और जिस इलाके से आते वहां सारी सीटें बीजेपी हार गई है। उसके बाद भी अमित शाह को चूंकि उनका चेहरा पसंद है तो वो उनको फिर डिप्टी सीएम बनाया हुआ। अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार पिछले दिनों से वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, दिल्ली जाके अमित शाह से मिल रहे हैं और ये खेल चल रहा है वहां पर, जिस पर लगातार बातें हो रही हैं, सब बात कर रहे हैं। पर इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं जुटा पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को वो कह दें कि चलिए आप हटिए या भेज दें केशव मौर्य को जो जाके कहें मैं शपथ लूंगा, क्योंकि शपथ लेने के लिए अगर वो कह देंगे तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, वो एक क्षण नहीं लगाएंगे क्योंकि मोदी की का नियंत्रण बहुत मजबूत है। जैसे मध्य प्रदेश पर मंगूभाई पटेल गवर्नर हैं, उनके लिए मोदी भगवान है, ठीक वही स्थिति आनंदी जी की हुई है। तो ये इन्होंने जिस तरह से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, ठीक है सत्ता में आप आए, आपने राम और वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर के हमारे देश में कभी इस तरह का भाव नहीं बना, जो आपने अभी बात कही मुजफ्फरनगर के ऑर्डर की, इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए नरेंद्र मोदी कहां से कहां ले गए। पिछले चुनाव में देखिए आप, उनके भाषणों को अगर निकाल लिया जाए तो ये साफ है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के बीच में एक बड़ी विभाजक रेखा खींच रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि वो देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये देख रहे हैं कि उन्हें संडे को ईसाइयत से जोड़ने में मजा आ रहा है, उनको जो है वो मुजरा करवा रहे हैं लोगों से, उनको जो है वो मंगलसूत्र और भैंस खुलने का वो रह रहा है। भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि जब प्रधानमंत्री जिन्हें ये चीजें रोकनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इन्होंने 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए जो दंगा हुआ था गुजरात का, गोधरा कांड के बाद जो कुछ हुआ था, तो अटल जी ने कहा था ना कि राजधर्म, लेकिन नरेंद्र मोदी की वो आदत नहीं है। और दुर्भाग्य ये कि पार्टी में संघ उनके पीछे खड़ा हो गया और पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं था। देखिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली बीमारी की वजह से चले गए, अब पता नहीं मनोहर पर्रिकर और अनंत कुमार के साथ क्या हुआ था, ये असमय लोग गए उस उम्र के जो इनके समकालीन थे। उसके बाद क्या स्थिति बनी है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं करता। हम मोदी आपको लेके कहां आए, मोदी ने सबसे बड़ी बात की कि हमने कश्मीर से 370 खत्म कर दी, वो 3 तलाक ले आए। सवाल ये है कि इन सब चीजों से हासिल क्या हुआ, मोदी ताकतवर होते गए, मोदी के सामने कांग्रेस का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस कमजोर हुई, 45, 52 और 55 पर आए तो वहां पर क्या 44 पर आए, वहां क्या हुआ, मजाक बनाया और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाई कि कांग्रेस को खासकर राहुल गांधी को केंद्रित करके अपना अभियान चलाया और हालत यह बन गई कि राहुल गांधी को पूरे देश में पप्पू माना जाने लगा, दुनिया भर में मान लिया गया। लेकिन 2024 के चुनाव ने वो तस्वीर पलट दी है। अब हालत यह है कि नरेंद्र मोदी पर सवाल पार्टी के भीतर, आप याद करिए चुनाव परिणाम आते ही मोहन भागवत को कुछ अहंकार जैसी चीजें याद आने लगी थी कि मोदी तो भगवान बने, उसके बाद वही बात इंद्रेश कुमार जी ने भी कही, और भी अलग अलग स्तरों पर आप देखो तो सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी जब विस्तार हुआ तो सबसे पुराने विधायक, उन्होंने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ, 15,000 दिन से मैं विधायक हूँ, तो शब्द अब मुख से निकलने लगे हैं लोगों के। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आप ये मान लीजिए कि इतना आसान नहीं है, जिस उत्तर प्रदेश ने जहां ये गए थे कि गंगा का बेटा हूं, चाहे राम जी को जो है उंगली पकड़ के ले गए, उन बनारस और अयोध्या में, बनारस में जैसे जीते हैं वैसे सब जानते हैं और अयोध्या में जो स्थिति हुई है वो आप और हम सब जानते हैं। होना क्या है, होना अब ये है कि नरेंद्र मोदी को अभी इशारों इशारों में जो चुनौती आ रही है उसके लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पा रहे, तो उल्टा वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं राहुल गांधी पे हमला। अचानक उन्हें याद आ गया कि संविधान हत्या हो गई, संविधान हत्या दिवस हो गया, पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री है, तब उन्हें याद नहीं आया क्योंकि
लड़कों ने संविधान हाथ में लिया तो उन्हें संविधान हत्या दिवस दिखने लगा। कहां से और क्यों आया? क्योंकि कोई चीज नहीं है। उससे पहले विभाजन विभीषिका दिवस भी आया था। अरुण जी इसको ऐसे मान लिया जाए, जो आप बात करते हैं कि जैसे उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से सारा कुछ नियंत्रण के चक्कर में पार्टी को कब्जाने के चक्कर में वहां तो कर लिया, लेकिन देश में जो प्रयास है अब तीसरी बार में सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष में विरोध में और कठिनाइयां पैदा करने के साथ साथ पार्टी को भी नीचे लेती चली जा रही है। 240 पर आके टिके, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा अगर आप मुझे अनुमति दें, या आप एक आध दो लाइन में खत्म करें तो मैं एक तो आनंद वर्धन सिंह साहब जुड़े हैं उनका मैं बहुत स्वागत करूंगा, धनंजय कुमार साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं संजीव जी एक ही बात कह रहा हूं कि 10 साल में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। नरेंद्र मोदी को भी ये समझना होगा कि जब वो नौटंकी करते रहे जब आए थे, अब पूरा देश उनकी नौटंकियां समझ चुका है और सबसे ज्यादा समझा और भुगता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी तो 10 साल में मच के सामने खड़े हो गए, लेकिन पार्टी के भीतर जो हो रहा है उसका मुकाबला कर पाना अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और आने वाले दिनों में जो अभी आवाजें बाया मीडिया आ रही हैं वो सीधी सीधी आएंगे, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी सामने आने वाला है। मैं सुधीर जी के पास आता हूँ। सुधीर सर, जो बात अभी आप सुन रहे थे, अरुण जी जो कह रहे हैं, भय तो अभी भी दिख रहा है। कल हमने देखा था कि कल पहले जब उस जो पूरा हम जिस यूपी में जो आदेश आया जिसको सरकार ने तब्दील कर दिया अपने आदेश में, पहले प्रशासनिक था, सरकार की ओर से हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को हमने देखा, पहले उन्होंने उसको कंडम किया था और बाद में फिर वो एकदम से यू टर्न मार गए। तो भय तो बना ही हुआ है, भय अभी खत्म होता नहीं है, नहीं अभी कोई आवाज उस तरीके से उठने वाली है। और अभी ये जो है सारा कुछ चल रहा है, इसके पीछे है क्या, मकसद कैसा है कि अब आपका सारे कार्ड फेल है तो यही है, बस यही हम मान के चले ना कि इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। अनम्यूट कीजिएगा सुधीर सर। शायद सुधीर जी हमसे लिंक टूट गई। आनंद सर आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, जो पूरा का पूरा चल रहा है, जो दृश्य बना है यूपी में, और इसको कैसे हम, जो मैं सवाल कर रहा था सुधीर जी से, कैसे आप इसको एलोबरेट कीजिएगा सर। आनंद सर मैं एक इसलिए किस्सा सुना दूं कि वो पुराना कांग्रेस का किस्सा है और उससे मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, उनके द्वारा बताया हुआ किस्सा, मैं नहीं मौजूद था। कांग्रेस जब हारी 89 का चुनाव, तो उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा शिविर आया, चिंतन शिविर एवर का टाइप का कुछ, उन्होंने हरियाणा में जो एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे हर साल मेला लगता है, सूरज कुंड में वो लगा चिंतन, मतलब वो हुआ कि दिन भर का। तो वहां पे हमारे महावीर प्रसाद साहब हुआ करते थे, हमारे यहाँ बांसगांव से एमपी हुए थे। तो राहुल, अब राजीव गांधी सबसे पूछ रहे थे भाई बताइए कारण, तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, जैसे अभी चल रहा है कि अफसरों ने, अब उस समय अफसरों की बात तो नहीं थी कि इन्होंने साथ नहीं दिया, वो जात नहीं आई, ये पैसा कम था, वहां के ये थे, वो एंटी इनकमेंट से थे। तो महावीर प्रसाद जी के पास जब आया तो उन्होंने कहा कि अरे ये कुछ नहीं, वो इंक आई थी, इंक उड़ जाती है, बेमानी हो गई, तो कुछ अजीब सा बिना सिर पैर का जवाब दिया। तो खैर बात आई गई, फिर हो गई, फिर जब सेकंड आफ्टर लंच के बाद फिर वो आया, फिर इनके पास, फिर इन्होंने वही जवाब दिया कि भैया बताइए महावीर से। तो महावीर जी, भाई महावीर प्रसाद जी ने फिर वही बताया। तो शाम को जब चाय के समय अर्जुन सिंह ने इनसे पूछा कि भाई महावीर जी आप क्या, आपसे पूछा जा रहा था सीरियस बात, तो कहे क्या कहें, आपकी वजह से हारे, इसमें क्या बताना है, राजीव गांधी की वजह से हारे, पूछ रहे क्यों हारे, क्यों हारे। तो अब मोदी जी अब ये चिंतन वो चिंतन, अरे भाई मोदी जी की वजह से हारे हैं, इसमें कोई चिंतन निंतन की जरूरत नहीं है, इसमें वो शिविर और वो चिंतन और वो मोदी जी की हरकतें थी, मोदी जी की केवल झूठ बोलने की बात नहीं, मोदी जी की हरकतें आप देख लीजिए भाई, मोदी जी जो इस समय हरकतें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए? तो अगर हमको आपको ये लग रहा है तो बीजेपी के लोगों को भी ये शर्म आ रही है, आप प्राइवेटली पूछ लीजिए। 2004 के बाद बीजेपी के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या बताएं, अरे बुढ़े हो गए हैं, अरे वो हो गए, अरे ये कोई बात ही नहीं है। तो मुझे जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सिर्फ एक चीज हो रही है। देखिए आपको ऐसे भी देखना होगा, मैं ये बीजेपी के, मैं तो इसको गैंग वॉर जैसे देख रहा हूं। तो गैंग वॉर में कभी कभी जो पुलिस वाले होते हैं बहुत खुश होते हैं कि मरना है तो सबको आपस में, सब खुद ही खप जाएंगे, तो वो अब आपस के एक दूसरे को इधर से उधर हो रहा है। मैं इसको इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आप सारे चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए,
क्या किसी के पास ये हिम्मत थी कि दिल्ली से भेजे हुए चपरासी को भी वो उठ के आदाब ना करें? ये पिछले 4-5 साल से ये आपको देखना होगा, 2022 के इलेक्शन से पहले एके शर्मा जी भेजे गए थे गुजरात काडर सेक्रेटरी, मतलब अभी सेक्रेटरी उनकी नौकरी 1-1.5 साल की बाकी थी, उनसे इस्तीफा दे के भेजा गया कि उत्तर प्रदेश में आके बताया गया कि ये आ गए सुपर चीफ मिनिस्टर, ये सब ठीक कर देंगे, अब ये आगे इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन काम यही ये सब करके आए। योगी जी ने उनको कहां कर दिया था? दूसरे केशव प्रसाद मौर्य हैं जिनको स्टूल मंत्री, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने उनका कमरा बंद करवा दिया था, स्टूल पे बैठे रहे थे कुछ दिन तक, और उसी को लेके अखिलेश यादव अभी चकल्लस लेते हैं इनसे, स्टूल मंत्री कहते हैं क्योंकि स्टूल पे सही में बैठ गए थे। मेरा कहना यह है कि ये मैं वो जो मुसलमानों का बुलडोजर चलाते हैं वो करते हैं, लोगों को लगता है ना कि आप कभी, ये इनकी इंटरनल लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपस में मर खप रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन जो यथा जो ग्राउंड रियलिटी वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल योगी आदित्यनाथ कई बार ऐसा खड़े हुए दिखाई दिए कि वहां खड़े हुए दिखाई दिए, ओम प्रकाश राजभर और संजय, ये जितने लोग अभी जो है ना कि विरोध के स्वर बगावत के स्वर, अरे ये सब स्वर पिछले 5 साल से चल रहे थे, इसमें से कौन व्यक्ति, क्या ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार स्टेटमेंट दिया, क्या संजय निषाद ने पहली बार स्टेटमेंट दिया? संजय निषाद को स्टैंडर्ड ये था कि संजय निषाद एक स्टेटमेंट खराब देते थे, गाली देते थे योगी को, चार्टर प्लेन से उनको बुलाया जाता था, वो अमित शाह के साथ बैठ के चाय पीते थे, फोटो निकाली जाती थी, और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज होता था कि मेरा हाथ इनके सिर पे है। अजय मिश्रा टेनी, अगर अजय मिश्रा टेनी, भाई ये मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि कितनी पुलिस उनके पक्ष में नहीं, अगर उस समय उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का उस तरह से गिरफ्तार नहीं हो सकता था। अमित शाह ने तो पूरा जोर लगा लिया था, अमित शाह तो जब उसके बाद आए तो इस इलेक्शन में अभी 2 महीना पहले बोले थे कि इनको और ऊंचाई पे मुझे पहुंचाना है, तो यही डर लगा लोगों को कि मालूम नहीं अभी तो 4 को रौंद के मारा है उससे, थार से, अब ये कहीं ट्रैक्टर ट्राली ले आके ट्रक ले आके रौंद देने ना लगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इन सारे चीफ मिनिस्टर, आप सारे चीफ मिनिस्टर को उठा के देख लीजिए, केवल एक व्यक्ति जो कहीं थोड़ा बहुत भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े होकर बिल्कुल उन्होंने तलवार निकाल ली थी और तलवार भाजने लगे थे, उसका एक फायदा और इनको मिल रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है कि अमित शाह की एक दिक्कत यह है कि वहां पे आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल का मुझे ये नहीं, जब ये आई तो मुझे ये पता, एक भी ऐसा आयोजन नहीं हो सकता है जिसमें आनंदीबेन पटेल और अमित शाह मौजूद हो, एक फोटो नहीं होगी पिछले 6 साल में। तो चक्कर क्या है कि वो लड़ाई वहां की चल रही है, वो गुजरात से लड़ाई चल रही है, तो जब आनंदीबेन पटेल ये आई तो वो उनका योगी जी से चाहे जो भी हो लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो उस तरह से उनको एक वहां से गवर्नर का प्रोटेक्शन मिलने लगा था। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई आयोजन बता दीजिए जिसमें आनंदीबेन पटेल भी बैठी हो और अमित शाह भी बैठे हो बाकी सब में। अब जब ये सब योगी जी किए और आज जब समय मोदी जी का खराब आया है, जब उल्टा पुल्टा वो बोल रहे हैं, लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं लोगों, तो कहीं पे वो जो बीजेपी के विद इन बीजेपी जो भाई उत्तर प्रदेश से 2 सबसे बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह सबसे बड़े नेता, लेकिन राजनाथ सिंह अपने बच्चों को सेट करने ही में ये लगे हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़का सेट हो गया है, दूसरे का मामला नहीं सेट हो रहा है, वो सुबह से शाम तक इसी में परेशान रहते हैं, लड़के को मंत्री नहीं बनवा पा रहे हैं। तो आप सोचिए घर जब, भाई हमारे आपके जो बच्चे हैं जब घर जाते होंगे तो रोज पापा अब मैं मंत्री कब बनूंगा, तो पापा क्या जवाब दें? पापा की कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, कोई सेठ की कुर्सी तो है नहीं कि भाई सेठ का होता तो पापा कहते बेटा इसी पे बैठ जाओ, मैं हट जा रहा हूं किनारे। अब पापा बड़े बेटे को एमएलए बना पाए, मंत्री नहीं बनवा पाए, छोटा बेटा अलग परेशान है, वो रोज डंडा किए रहता है। तो राजनाथ सिंह तो अपने बेटों को सेट करने में उलझे हुए हैं, अब कौन बचा उत्तर प्रदेश में? अब एक जो आरोप ये लगता है ना कि ये राजपूतों को, मैं उसकी जरा ग्राउंड रियलिटी भी आपको बता दूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस बार जो 33 एमपी जीते हैं बीजेपी के, 8 उसमें दलित हैं जो रिजर्व सीट से जीते हैं, तो उसमें किसी का कोई पुण्य और वो नहीं है, 25 लोग बसते हैं, 8 ब्राह्मण है 25 में, 8, 5 राजपूत हैं, 2 वैश्य हैं। ये मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि भाई ये सारा तो अमित शाह ने बांटा था, एक एक टिकट अमित शाह ने बांटा था। 47 लोगों के लिए बार बार कहा गया था कि रिपीट मत करिए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन रिपीट किए गए। उसमें से 26 लोग हार के आए,
मैं इसमें अच्छा सबसे ज्यादा जो जैसे कहते हैं ना कि नमक छिड़क के उसपे नींबू लगा के उसको जो रगड़ने का काम कर दिए योगी जी, वो गोरखपुर मंडल में अपनी सीटें जिता लाए। अब वहां ये लगता है कि देखो, और वहां पे बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सदल प्रसाद की सीट है वो 100% जीती हुई सीट थी कांग्रेस की। सदल प्रसाद बेचारे वीक मतलब सज्जन आदमी, इसलिए उसमें वो ना कर पाए। सनातन पाणे थे वहां बलिया में बैठे, उन्होंने एक दिन पहले दे दिया था स्टेटमेंट कि या तो लाश तुम्हारी जाएगी या हमारी जाएगी अगर बेमानी करोगे तो डीएम से। उसमें बड़ा हल्ला मचा था, चीफ इलेक्शन कमीशन में भी गई थी, सदर प्रसाद ये काम नहीं कर पाए। तो उनकी एक गुस्सा ये है कि योगी जी अपने यहां तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को यूज कर लिए, हमारे यहां नहीं किए। तो भाई अब ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इनको होने दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो जो आरएसएस है, और अभी हम मैं और संजय जी एक जगह थे, इनकी नीयत को अगर कोई ये समझे, ये बहुत अच्छे ढंग से मुझसे बेहतर ढंग से धनंजय जी एक्सप्लेन करेंगे, ये बदल गए बदले नहीं है। मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में है। मोदी जी का जो इतना ज्यादा मतलब आज लाइबिलिटी जैसे हो गए हैं, डिस्क्रेडिट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आरएसएस अपनी तरफ से करके ये कर रहा है। जैसे कभी कभी होता नहीं कि बच्चा आपका लड़के आए तो आप ज्यादा डांटने लगते हैं कि कम से कम सामने वाला उसको ना डांटे, तो आप ज्यादा डांटना। घर के अंदर तो आप ले आके अपने बच्चे को प्यार व्यार करते ही उसका तेल फुले लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो वही बात है, ये आरएसएस वाला जो मामला है ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला है। और मुझसे बहुत से इस जगह हम लोग जब ये बात करते हैं तो मुझे भी दुख होता है जब लोग ये कहते हैं कि आप लोग मूल मुद्दों को छोड़ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा जरूरी है। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को ये काम दिया गया है ऑफिशियली, और ये पेपर में निकला है। हम तो सोचते थे कि मंत्री जी अपना विभाग देखते हैं, सरकार चलाते हैं, मंत्री जी को कहा गया है कि सब लोग जाइए, कहीं दो कहीं तीन मंत्री लगाए गए, इलेक्शन जिता के लाइए। इलेक्शन में एमएलए जिताना मंत्री का काम है, ये मुझे पहली बार अभी पता लगा है। संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर सर, जो बात आनंद सर ने कही वो गैंगवार वाली बात कही, और अब तो हम ये भी देख रहे हैं जो विपक्ष के जो चुटकियां जिस तरीके से, वो वहां मानसून ऑफर भी आया हुआ है कि मानसून ऑफर है, 100 लाइए सरकार बनवाइए। अब ये चीजें पहले हम देखते थे कि बीजेपी किया करती थी तोड़फोड़, तो ये जो पूरा का पूरा जो दृश्य है, इस दृश्य में ये अभी ये और भी है कि क्या ये सब नूरा कुश्ती है या किस तरीके का ये है मंजर, ये मोदी जी के बिना तो नहीं हो रहा होगा जो कुछ चल रहा है सारा का सारा वहां, जो व्यामनस्यता का वो फैलाना कि यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सुदीप सर अनम्यूट कीजिएगा, सर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हेलो जी। हाँ संजीव जी, हाँ अभी आनंद जी ने कुछ बातें कही आरएसएस को लेकर, और उसके पहले भाई अरुण भाई ने कुछ बातें कही जो कि मुझे लगता है कि बहुत मौजूद बहुत प्रासंगिक बातें हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आरएसएस का जो डीएनए है वो कतई नहीं बदला है। और आज की तारीख में दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कहीं ज्यादा लाडले बेटे या ब्लू आइट बॉय हैं। नरेंद्र मोदी की दिक्कत यह है कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के तहत वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या अन्य नेताओं की अन्यत्र उपेक्षा करके बिल्कुल अनाम अनुभवी और नए चेहरों को मौका दिया और कमान सौंपी है, उस तरह का प्रयोग वो उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभा मंडल अर्जित किया है और उनके पीछे गोरखपुर की पीठ का सांस्कृतिक वैभव और उनकी अपनी वाहिनी है और अवैधनाथ के वो शिष्य हैं, तो तमाम चीजों को देखते हुए मोदी या शाह के लिए संभव नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को चलो चलो कहें और उसकी जगह मौर्य या किसी और को बिठा दें। मौर्य वैसे भी बहुत कमजोर शख्सियत हैं, जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है सर, वो अभी तक दो चुनाव जीते हैं, जबकि इनके पास योगी आदित्यनाथ के पास कहीं ज्यादा तजुर्बा है और कहीं ज्यादा उनके भीतर वो है। जैसा कि भाई अरुण दीक्षित ने कहा, आप याद कीजिए कि जब ये देश आजाद हुआ तो परिदृश्य में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। आजादी की लड़ाई के इतिहास देखें उसमें भारतीय जनता पार्टी या उनके जो पितृ पुरुष या पितृ संगठन या वैचारिक संगठन थे उनका कहीं कोई योगदान नहीं था। और तो और नेहरू जी ने बहुत औदार्य पूर्वक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी।
लेकिन इन सारी चीजों को विस्मृत करके भारतीय जनता पार्टी जो पिछली सदी के अंत तक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विचारधारा से प्रचालित थी, मोदी और शाह के परिदृश्य में आने के बाद पूर्णता अराजक और एक तरह का कहना चाहिए कि नफरत, विभेद और विभाजन पर आधारित ऐसी पार्टी हो गई है जो इस देश को ईसा पूर्व के समय में ले जाना चाहती है। आप 2024 में क्या ये किसी देश में उम्मीद कर सकते हैं कि उस धर्म के, किसी भी धर्म के मानने वालों को अपनी दुकान के सामने या अपने घर के सामने या अपने निवास के सामने तख्ती लगानी पड़े जिस पर अपना नाम और अपना धर्म लिखना पड़े? ये विश्व के किसी भी देश में नहीं होता है। तो क्या आप माने कि आने वाले समय में आप मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश वर्जित करेंगे? क्या आप सती प्रथा को फिर से वापस लाएंगे? या आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं और किस तरीके से आप लगातार देश को हिंदू और मुस्लिम नफरत के सहारे बांटकर, और किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो शीर्ष पुरुष होता है उससे आप मंगलसूत्र, मुजरा या हिंदू मुसलमान या जर्सी गाय या गर्लफ्रेंड इस तरह की बातें नहीं सुन सकते, बातें नहीं सुनते होंगे। और दूसरा देखिए, अभी तक जो पप्पू अभियान छेड़ा उन्होंने अरबों रुपये खर्च करके, पूरी संसाधन झोंक के, बड़ी टीम खड़ी करके, उसमें विफलता के बाद जिस तरह से राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है और उन्होंने लोकसभा में जिस तरीके से अपने भाषण से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ हुआ है, उससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की राजनीति गैर मुद्दों से हटकर फिर से मुद्दों पर वापस आ गई है। और ये सबसे बड़ी पीड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके शिखर नेतृत्व यानी मोदी और शाह की है। किसी भी संसद में, किसी भी देश में, यहाँ तक कि भारतवर्ष का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को बोलते समय खड़े होकर टोका नहीं है। जबकि अभी ताजा सत्र में जिस तरीके संसद से, संसद में राहुल गांधी के व्याख्यान के अवसर, उनके भाषण के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, उनके मंत्री खड़े हुए और सब लोगों ने जो टोका टोकी की, और जिस तरीके से अभी अंबानी के यहाँ ऐश्वर्य के भौंडे प्रदर्शन के साथ जिस तरह से विवाह हुआ, उसमें इस देश का प्रधानमंत्री जिसके पास मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है, जिसके पास महत्वपूर्ण मुद्दों पर वक्तव्य देने के लिए समय नहीं है, जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की है, वो वहां जाकर 2 घंटे 40 मिनट बिताता है। तो ये सारी चीजें ये बताती है, जैसा कि अभी आनंद वर्धन जी ने कहा, इस देश के 2024 के चुनाव में हार के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो 100% नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी की हार में किसी और का कोई योगदान नहीं है। छोटे बड़े स्थानीय कारण या स्थानीय उम्मीदवार का की छवि कहीं कहीं उसने काम किया है। तो जिस तरीके से ये समय के गलियारे में उल्टे पांव चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समस्त विश्व में भारत की जो फजीहत हो रही है या भारत की जो छवि धूमिल हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत चिंतनीय है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम गैर मुद्दों की राजनीति से हटकर मुद्दों की राजनीति पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में देखिए आप, ओबीसी और मराठा वाला जो मुद्दा है वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, वो आने वाले चुनाव में विधानसभा के वहां बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी ने अगर थोड़ा भी सबक इन नतीजों से लिया होता तो वो इस तरह की भाषा या इस तरह का आचरण नहीं करते जैसा वो कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भले एक अनुशासन के मामले में भले ही योगी आदित्यनाथ ने एक मानक रचा हो, लेकिन बुलडोजर संस्कृति या इनकाउंटर संस्कृति या अन्य उनके अपने बयानों से या उनके आचरण से जो छवि बनती है या जो परंपराएं बन रही है या जो वातावरण रचा जा रहा है, वह कहीं भी लोकतंत्र या मानवीय मूल्यों के लिहाज से अनुकूल नहीं है। संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। धनंजय सर जो बात कर रहे हैं अभी, सुधीर सर, हम तो इस पे ये बात लगातार करते हैं कि वो कहां मुद्दों पर कहां बात करना चाहते हैं। मुद्दे तो उन्हें चाहिए ही नहीं, उन्हें तो भटकाना है, देश का ध्यान भटकाना है, और शायद यही सब कुछ उसका जो हो रहा है, जिस तरीके के इश्यूज निकलते हैं बार बार, वो यही तो है कि ध्यान बढ़ जाए, मूल मुद्दों पर कोई बातचीत ना करे। और उसमें जो आरएसएस की बात अभी आनंद सर कह रहे थे, आरएसएस का तो एजेंडा ही है जिसको ये कहीं ना कहीं लागू कर रहे हैं, बांटो, राज करो, मुस्लिमों को आप तोड़ने की जो बात है, आर्थिक तौर पर तोड़ डालो, यही सब तो है कि बंटवारा, आप मोहब्बत की दुकान तो कहीं इनके है ही नहीं ना, किसी भी उनका जो डिक्शनरी में ही कहीं शब्द नहीं है मोहब्बत, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें दो राय रखता हूँ। एक राय तो ये रखता हूँ कि आरएसएस जो है वो अपनी जगह है, और आरएसएस
आज से है नहीं 99 साल से जी, 99 साल में कितने साल शासन में रहे ये भी देख लिया आपने, शासन में कैसे आए थे अडवाणी जी, हिंदू हिंदू करते रहे नहीं बन सके बेचारे, गोविंदाचार्य जी कहीं और चले गए, पता नहीं कितने कहां कहां चले गए। तो आनंद भाई साहब के साथ था उसमें भी मैंने कहा था, एक लाइन बोल करके दूसरी लाइन पे आता हूँ कि वो गीता में कहा ना कि शरीर आत्मा जो है शरीर बदलती है, आत्मा मरती नहीं। तो जो है वो मोदी जी योगी जी या आने वाले समय में कोई और जी, वो शरीर है। आप लोग गलती कर रहे हैं ये विश्लेषण करके, मैं ये जान के कह रहा हूँ कि आप लोग गलती कर रहे हैं, कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो है मोदी जी अब ये हो गए फलाना जी हो गए, अरे शरीर का तो संस्कार जरूरी है ना भाई, शरीर का इस्तेमाल हो गया तो खत्म हुई कहानी, अब क्या कहाँ गाते रहेंगे, हमारे बाबा जी की देह चली गई तो हमने उनका संस्कार कर दिया, फोटो टांग दिया, पहले तो फोटो भी नहीं खींचा जाता था, तो फोटो टंग गया। लेकिन यात्रा जो है असल क्या है, आत्मा दरअसल क्या है, आत्मा दरअसल यात्रा है। यात्रा दो तरह की यात्रा होती है, एक सभ्यता की ओर है, सत्य की ओर है, कल्याण की ओर है, सत्य शिव और सुंदर की ओर है, और एक यात्रा है कि मेरे दादाजी को उसने मारा था चलो ढूंढे उसको मारे, एक यात्रा उस तरफ है, गटर की तरफ एक रास्ता जाता है, एक रास्ता जाता है गंगा की तरफ, आपको किस रास्ते जाना आपको तय कर दे। अब जो एक और मैं बताऊं कि जो एक हम लोग बचपन में पढ़े हैं, आपको भी शायद याद होगा, आप मध्य प्रदेश में भी पढ़ाया जाता होगा, हमारे बिहार में तो पढ़ाया जाता है, वो शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना मत, है ना। तो शिकारी आएगा, शिकारी को आप अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो शिकारी का दोस्त थोड़े है, तो शिकार करेगा तो शिकारी है ही, आपको पहचानना था, सीता को पहचानना था कि ये रावण है या कोई और है। अब सीता नहीं पहचान पाई कि वो साधु है कि रावण है, नतीजा हुआ लक्ष्मण रेखा लांघी और गई, लेकिन वहां उन्होंने पहचान लिया रावण को, ये मैं राम नहीं है, ये रावण ही है जो भेष धर के आया। तो एक बार नहीं पहचानी, दूसरी बार पहचान ली, तो भारतीय जनता भी जो है एक बार पहचान लिया, नहीं पहचान पाए, उनको लगा था कि अरे ये तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, ये तो जो है देश को बनाने आए हैं, वहां देखिए गुजरात कितनी तरक्की कर गया, गुजरात जैसा हमारा भी बिहार हो जाएगा, हम बिहारियों ने भी सोचा था कि हमारा बिहार गुजरात बन जाएगा, लेकिन जरा बिहार जो है और बंडलधार हो गया, बंडाधार हो गया उसका। तो मैं कहूंगा उनका अपना दोष है, लेकिन हम नागरिकों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आप रेलवे में ट्रेवल करते हैं, आप बसों में यात्रा करते हैं, तो अपने सामान की रक्षा स्वयं करते हैं या पड़ोसी को कहते हैं कि भाई संभाले रहिए, पड़ोसी को दीजिएगा तो चला जाएगा लेकर के वो। आजकल तो पड़ोसी जो है बीवियों को लेके भाग जा रहे हैं, तो जो बीवी को लेके भाग जा रहे हैं आपका सामान कहाँ छोड़ेंगे। तो ये समझना बड़ा जरूरी है, और बिल्कुल वो दोष है कि वो भेष बदल करके आते हैं, हमारा सामान चुरा ले जाते हैं, चोर को पकड़ना जरूरी है। लेकिन आप ये भी एक बात कहते हैं सब लोग, अभी आनंद भाई साहब ने भी कहा कि लोग कहते हैं मुद्दों पे चर्चा कीजिए, मुद्दा है क्या, रोटी रोजी सतही मुद्दा, सतही मुद्दा मतलब जमीन का मुद्दा है उसको आप, ठीक है रोटी मुद्दा, रोटी और रोजगार बड़ा जरूरी है, लेकिन रोटी रोजगार सबके बीच बराबर नहीं है, उसकी वजह क्या है। असल मुद्दा ये है कि रोटी रोजगार सबके पास क्यों नहीं है, हर आदमी क्यों नौकरी के, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, हर आदमी के पास इतना भी क्यों नहीं है कि वो खाने भर भी अपना कमा ले, वो 5 किलो नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई महान व्यक्ति आएगा और 5 किलो अनाज देगा और उसका जीवन चलेगा, ऐसी स्थिति में वो 80 करोड़ लोग क्यों है। सब असली मुद्दा तो ये है, और असली मुद्दा ये है कि 122 लोग मारे जाते हैं भगदड़ में, और उसके बाद जो बच गए वो कहते हैं कि वो प्रभु की लीला थी, तो प्रभु की लीला थी तो बाबा दोषी कहाँ है, बाबा भी आके बोल देते हैं कि भाई वो तो जो होनी को कौन टाल सकता है। तो मुझे बाबा पे गुस्सा अब कम आ रहा है, पहले बाबा पे मुझे भी गुस्सा आता, मुझे बाबा पे गुस्सा कम आता है। अरे आपको क्या चाहिए, आप जो है परलोक सुधारने में लगे हुए हो, आप समस्याओं का समाधान बाबा के पास ढूंढ रहे हो, समस्याओं को सुधार जो है मंदिर और मस्जिद में ढूंढ रहे हो, तो जाओ बैठो कीर्तन करो वहां, फिर नरेंद्र मोदी को गाली क्यों दे रहे हो भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या गलत किया, उसने तो और मंदिर बनवा दिया, दिन रात भजन में लगा हुआ है वो आदमी, उसको आप क्यों दोषी ठहरा रहे, रोजगार नहीं दिया तो रोटी नहीं दी तो दंगा फैला रहा है, क्यों कह रहे हो, आपने उनको ये इसलिए चुना था क्या। आप जो चुन रहे हो कि भाई वो हिंदू राज स्थापित कर देंगे तो कर रहे हैं वो। अब हिंदू राष्ट्र कैसा होता है आपको मनुस्मृति पढ़ के समझ में नहीं आया, मुगलों से पहले, अंग्रेजों से पहले, और डच यूनान क्या क्या हुन आए उनसे पहले भी अस्पृश्यता कब आई थी, क्या कोलंबस लेके आया था अस्पृश्यता हिंदुस्तान में, या लेके आए थे अंग्रेज लेकर के आए थे, कॉर्नवालिस लेके आया था, कौन लेके आया था, या वो चंगेज खान लेकर के आया था अस्पृश्यता,
कि कुछ समाज के कुछ हिस्सों को कहें कि ये गांव से बाहर करो, ये मनुष्य होने के लायक भी नहीं है। किसने पैदा किया शूद्र? ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुआ? कैसे ब्रह्मा ने कहा कि ये मुख मेरे मुख से पैदा हुआ और ये मेरे पांव से पैदा हुआ? दुनिया तो कह रही है कि गर्भ माँ के गर्भ से पैदा होता है सब। तो ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं को मानने के लिए कौन आपको मजबूर कर रहा? मुझे लग रहा है कोई बाबा मेरे घर तो कोई नहीं आया बाबा कि नहीं मानो यही, तो आपको क्यों मनवा रहा है वो? आप अपने गिरेवान में झांकने की जरूरत है। हम देश के नागरिकों से ये कह रहे हैं कि देश के नागरिकों को भी झांकने की जरूरत है। आप होड़ में लगे होंगे, अच्छा वहां इतना बड़ा मंदिर बन गया तो मुसलमान सोच रहे होंगे इतना बड़ा मस्जिद बना देते हैं तो बनाओ। वो कह रहे हैं कि जो है आर्थिक दबाव बना रहे हैं हिंदू ये कि भाई मुसलमान ताकि हाशिए पर आ जाए। मैं कहता हूं मुसलमान को हाशिए पर लाने की उनकी योजना नहीं है, उनको मुसलमानों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है दलितों वंचितों पिछड़ों से जिनके अंदर ये चेतना आई है कि भैया ये मनुस्मृति लागू करके हमको बर्बाद करेंगे। मुसलमानों से हिंदू मुसलमान भाई भाई याद से थोड़े है। वो आप याद कीजिए आजादी के समय जब कांग्रेस लड़ रही थी तो वो सरकार बना रहे थे। अभी ये जो अभी जो कश्मीर में जो किया इन लोगों ने वो तो पीडीपी के साथ सरकार में थे। तो इनको मुसलमानों से बैर नहीं है, आपको बतलाते हैं। बेवकूफ मुसलमानों को समझाते हैं कि देखो हम तुमसे बैर कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार मुसलमान है उनको पता है कि ये हमारे दोस्त हैं। क्योंकि आप भी धर्म प्रेमी हो, ये भी धर्म प्रेमी है। धर्म मतलब पाखंड की बात में कर रहा हूं। धर्म प्रेमी होते तो आप दंगा नहीं कर रहे होते। धर्म तो सिखाता है कि आप करुणा की बात करो, दया की बात करो, क्षमा की बात करो, परोपकार की बात करो। किधर है ये सारे शब्द? प्रवचन देते रहते हैं मस्जिद में बैठ करके मुल्ला, और मुल्ला जो है वो हलाला करवा रहा है। पंडित जी कहते हैं कि जो है सब ईश्वर करता और ईश्वर की मूर्ति तोड़ देता है, गणपति की मूर्ति वही तोड़ देता है और दो मुसलमान पे आरोप लगा देता है। तो ये आपको हमको समझना है। वो तो आएंगे भेष बदल करके, भेष बदल के अभी साधु के भेष में आए हैं। कल आपके पिता अभी तो देखिए ना, अभी इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर पा रहे हैं। हम कई दिनों से सोच रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है उस पर प्रोग्राम करने की जरूरत है हम सबको। हम 4 PM से भी कहें, डीबी लाइव से भी कहें, आनंद भाई को भी कहें, मैं भी करूं, जहां जाती हैं मीनू जी उनसे भी कहूं कि वहां भी कहिए ये जो साइबर क्राइम है सबसे खतरनाक, कितने लोग इसमें बर्बाद। कहीं चर्चा है साइबर क्राइम पे? हर आदमी लूटा जा रहा है। मतलब जो पूर्व सेक्रेटरी है किसी स्टेट का वो लूट लिया गया, उसके इतने डॉलर चले गए। वो जो है पुलिस ऑफिसर है उसके इतने करोड़ रुपए चले गए, वो इतना रुपया उसका चला गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। क्या हो रहा है साइबर क्राइम? अभी देखिए ना माइक्रोसॉफ्ट जो है बैठ गया, सर्वर डाउन हो गया, ठप हो गया, सारी चीजें ठप हो गई। इस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब वो हो गया। धर्म जो है आपकी एक किताब है, किताब में कुछ अच्छी बातें लिखी हुई थी, लेकिन किताब वो आखिरी किताब नहीं है, उसके बाद ढेर सारी किताबें लिखी गई, उसको भी पढ़िए। गुलामगिरी भी पढ़िए, जूठन भी पढ़िए। आप खाली जो है गीता पढ़ते रहेंगे तो फिर छूट जाएंगे। जूठन भी पढ़िए, समझ में आएगा कि कहाँ है आप। गुलामगिरी भी पढ़िए, समझ में आएगा आप कहाँ हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है संजीव भाई, और मुझे लगता है कि ये राजनैतिक चेतना जो है वो आम नागरिकों में, चूंकि ये नागरिकों का देश है, नागरिक यानी राजनैतिक चेतना वाला व्यक्ति। और आप फिर जो जहां हम लाना चाहते हैं ये कि अब जो है उम्मीद है, क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कार्यकर्ताओं में ये अवेयरनेस खड़ा कर पाएगा? कांग्रेस की असली लड़ाई तो अभी जो है जो उसमें खुद में घुसे हुए हैं पाखंडी लोग, उनसे कैसे निपटे कांग्रेस? बार बार चला जाता है टीका लगवाने के लिए। भाई ये नहीं कि आप नहीं जाओ, जहां जाना है जाओ आप, लेकिन उसका पाखंड मत करो, उसका प्रदर्शन मत करो, उसको दिखावा मत करो। जब आप कहते हो कि एक हाथ से परोपकार करो और दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मैंने तो ये शब्द रचे नहीं, मैंने ये वाक्य रचा नहीं। मुझे ये बताया गया कि परोपकार का मतलब होता है कि बायां हाथ करे तो दायां हाथ को पता ना चले, यही ना कहा गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो, हम में लड़ने की क्षमता हो। और मैं नूह के किसानों की बार बार चर्चा करता हूँ कि नूह की किसानों ने बताया कि कुछ लफंगों के हवाले देश नहीं किया जा सकता है, और कुछ लफंगे के पास इतनी ताकत नहीं है कि देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर दे सके। नूह के किसानों ने बताया था उस वक्त। क्या आप नूह के किसानों जैसे साहसी हैं? क्या साहस की भी जरूरत नहीं है? अब बोलना तो आप सही को सही और गलत को गलत, गलत तो कहो। मैं फिर दोहरा दूं, ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा की शक्ति तब है जब आप सही गलत में फर्क करना सीखे और सही के साथ खड़ा होना सीखे। खाली फर्क न करें, सही के साथ खड़ा होइए, गलत का विरोध कीजिए। क्या हमारे जनमानस में ये पैदा हो पा रहा है? ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं चेतना और चेतना आ रही है मीनू जी के पास। मीनू जी जो बात है, भले ही कुछ भी किया जाए लेकिन ये इतने नैरेटिव सेट करते हैं। अब इसमें
ये भी है पूरा जिस हम पुनः विषय पर लौट के ही बात करूंगा मैं, जो आपने कहा धनंजय भाई अपनी जगह है कि चेतना है और चेतना आ रही है ऐसा लगता है, दिख रहा है, और ये परिणाम अभी मैंने लोकसभा में देखे कहीं ना कहीं उसका द्योतक थोड़ा सा है। ये जो ऐसे नैरेटिव सेट करना, ऐसे उदाहरण देना, हमने जो देखा जो बंटवारे की बात करते हैं, अब उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि भाई दिलीप कुमार को नाम बदल कर दिलीप कुमार रखा यूसुफ खान ने, तब जाकर वो सक्सेस हुए। और आज देखिए हमारे दौर में, वो अपना दौर बता रहे हैं कि आमिर खान और सलमान खान और जो किंग खान, ये सब कैसे फल फूल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं हम नहीं बांट रहे, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमारे फैसलों पर। कैसे आप इसे एलोबरेट कीजिएगा मीनू जी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी, आप बात कर रहे हैं कि दिलीप कुमार और कांका के उदाहरण आप ले आए, आपके यहाँ जो अभी अभी जो कावड़ यात्रा के दौरान हो रहा है उससे बड़ी संविधान हत्या हो सकती है क्या? जिस दिन ये ऑर्डर वहाँ के एसएसपी ने निकाला, उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं जी। नहीं, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। जो आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, संविधान की हत्या तो उस दिन हुई जिस दिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने ये ऑर्डर निकाला, और एसएसपी ने ऑर्डर अपने दिमाग से तो निकाला नहीं होगा। उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया उसको, आप ये देखिए कि किस तरीके की संक्रामक बीमारी है ये। तो ये जो संविधान की हत्या हो रही है, चेतना भी जागृत हो रही है साथ साथ, इसमें एक स्वस्थ जो पॉजिटिव जो एक आशा की किरण जागती है उसमें ये जागती है कि अगर ऐसा रिग्रेसिव थिंकिंग साथ साथ चल रही है तो लोग आगे प्रोग्रेसिव आगे भी बढ़ रहे हैं, और लोगों ने आगे बढ़ के इनको सिखाया है, लेकिन इनको जनादेश को अभी भी पढ़ना नहीं आया है। इन्होंने जनादेश की रीडिंग क्या की, इन्होंने क्या पढ़ा उसमें कि भाई और बढ़ाओ, ये जो नफरत की भट्टी है इसमें और ईंधन लगाओ, और इसमें लकड़ी डालो और सिलगाओ, आग को तेज सुलगा दो, लेकिन वो उससे काम बनेगा नहीं, इससे और ज्यादा समाज में और विघटन और लोगों के प्रति आपस में जो एक सौहार्द है वो खत्म होगा। जब सौहार्द ही खत्म हो जाएगा तो आप किस इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, किसके बेसिस पे आप पांचवी से चौथे नंबर की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं? आपके कान आपके नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, आप खुद बुलडोजर चलाते हैं, आपने कांवड़ यात्रा का एक नया अध्याय जो शुरू किया है ये अभी और विभत्स रूप लेगा। संजीव जी, जितने दिन ये कांवड़ यात्रा चलेगी आप देखिएगा अभी और वहां क्या क्या होना बाकी है, वह और बहुत कुछ होगा जो आपको धीरे धीरे वो निकलेगा सामने। और खाली मुस्लिम निशाने पे नहीं है, ये दलित समाज के लोग भी निशाने पर है। यहाँ अभी दो तीन पहले ही उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव में परिवार रहते हैं दलित परिवार, तो वहां के दलित परिवारों का काम है मंदिर के कोई फंक्शन हो तो उनमें ढोल बजाते हैं वो लोग, उनको कहा जाता है, तो वो जो ढोल बजाने का काम जिसका था वो व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाया क्योंकि वो बीमार था। तो उससे नाराज होके जो पंचायत थी गांव की, उन छह परिवारों का बहिष्कार कर दिया। क्या बहिष्कार किया, क्या मतलब छह जो दलित परिवार हैं समाज से पहले ही बहिष्कृत है, उनको बहिष्कार क्या किया कि जो गांव की जो जल है और जो लकड़ी है जलाने की, जंगल है, उनपे इनका अधिकार नहीं होगा, बाजार से सामान नहीं खरीद सकते, ये किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो ये बता आज आप वो तो हिंदू हैं आपके हिसाब से, तो जिन दलितों के ऊपर आपने ये फरमान निकाला है, जिनका बहिष्कार किया है, जो अत्याचार आपने नया उत्पीड़न निकाला है नया करने का ये तरीका, तो ये तो ये आपकी ये है संविधान की हत्या, ये इसे संविधान की हत्या कहा जाएगा? लेकिन नहीं, उनको संविधान की हत्या, वो 50 साल पहले संविधान की जो हत्या है वो ध्यान आ रही है, हत्या वो भी। अरे भाई, अगर हत्या हो गई थी तो अभी तक आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए अगर संविधान मर चुका था? तो इनका क्या है कि ये तो कुछ भी बोलना, कुछ भी करना और किसी भी तरीके की तर्क के बदले में कुतर्क निकाल के लाते हैं, इनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचने के लिए तो है नहीं। आप जैसे मान लिया आप बजट आ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन इनके पास कुछ सोचने के लिए है नहीं। ये क्या करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट दे दिया है न्याय पत्र के जरिए, जो न्याय पत्र जो है, न्याय घोषणा पत्र जो राहुल गांधी का कॉपी, उसकी कॉपी कॉपी काफी कुछ करना है और नए रूप में प्रस्तुत कर देना, ये संभावना है उसको बजट में नहीं, और उसको महाराष्ट्र में कर भी दिया है। आपको लाडला भाऊ योजना जो है वो क्या है, जो कांग्रेस की अप्रेंटिसशिप योजना ही तो है वो, जो राहुल गांधी ने बोला
कि भाई जो पढ़ के निकलेंगे लड़के उनको ये सालाना 1,00,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब चोरी करते शर्म भी नहीं आती, ओरिजिनल अपने पास तो थिंकिंग है नहीं, एटलीस्ट क्रेडिट ही दे दो, मतलब क्रेडिट भी नहीं दिया और उठा के वहां चपेट दी कि भाई ये लाडला भाऊ योजना हमारा हम शुरू कर रहे हैं। साफ बिल्कुल न्याय घोषणा पत्र, कांग्रेस के न्याय घोषणा पत्र से चोरी किया हुआ, अगर इसमें कोई कॉपीराइट होता हो तो उस कॉपीराइट का मुकदमा डाला जाए इसके ऊपर। तो मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं ओरिजिनल सोचने के लिए, है तो है अगर ओरिजिनल सोचने के लिए तो नोटबंदी है इनके पास, ओरिजिनल सोचते हैं तो गलत जीएसटी के बारे में सोचते हैं, ओरिजिनल सोचते हैं तो आनंद फानन में लॉकडाउन लगा देते हैं, आनंद मतलब ओरिजिनल तो अग्निवीर है ओरिजिनल इनके पास, तो ऐसी मतलब विध्वंसकारी योजनाएं हैं इनके पास ओरिजिनल में जो इनके अपने दिमाग से निकली है, सब विफल गई है, और जो कांग्रेस से चुरा के उनकी रीपैकेजिंग की वो इनकी चल रही है प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम से। अभी शिक्षा के नाम पे देख लीजिए क्या हो रहा है, वो पीएम श्री योजना को लेके मतलब राज्यों को बजट नहीं दे रहे हैं क्योंकि राज्यों के शिक्षा राज्यों का विषय है, राज्य सूची में आता है संविधान के अनुसार, तो राज्यों की अपनी योजनाएं चल रही है, तो पंजाब महाराष्ट्र एंड दिल्ली उनको उनका बजट रोक दिया है भाई, क्यों? क्योंकि वो अब उनकी जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही है शिक्षा को लेके वो बोल रहे हैं कि इनका नाम प्रधान पीएम श्री योजना रखो, मतलब प्रधानमंत्री शिक्षा प्रसार कुछ योजना उसका श्री का एक एक्रोनिम है कि वो नाम आप रखिए, अगर वो नाम नहीं रखेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब ये वही बदमाशी है मनरेगा वाली। बिल्कुल, कि जैसे मनरेगा का बजट तरसा तरसा के देते हैं, जीएसटी का हिस्सा तरसा तरसा के देते, ये है इनका संघवाद, मतलब संघवाद के नाम पे कुचला जा रहा है राज्यों को, संघवाद तो है ही नहीं, टकराव वाला संघवाद है। ये वही मोदी हैं जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते वक्त कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, आज ये इन्होंने जो राज्य हैं उनको राज्यों को ये अपने बराबरी से समझते नहीं, उनको अपना दास समझते हैं, नौकर समझते हैं कि या तो हमारी शर्तों पे चलो और नहीं तो फिर देखो। अब देखना इसमें ये है कि जो 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 अपने नीतीश कुमार और नायडू जी बैठे हैं उनको अभी कितनी रोटियां मिलेंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं बिल्कुल यही सवाल अंत में करने वाला, सभी से बहुत छोटी छोटी टिप्पणी है, मैं अरुण दीक्षित जी से लेकर वापस आप तक लौटूंगा। एक तो रीपैकेजिंग, अरुण जी बहुत छोटी टिप्पणी, रीपैकेजिंग क्या जो मुसीबतें हैं इससे मोदी जी को उबार लेंगी जो हमारा विषय एक चीज, और दूसरा नायडू की चुप्पी को कैसे देखेंगे, थोड़ा सा नीतीश कुमार की पार्टी और जो पासवान चिराग पासवान उन्होंने थोड़ा बहुत इस पर रिएक्ट किया है जो कुछ हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम जिसको फिर जबरदस्त ढंग से उकेरा जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, दोनों पर बहुत छोटी टिप्पणी। संजीव जी ऐसा है, चंद्रबाबू नायडू अभी अपनी जमीन जहां वो लौटे हैं क्योंकि उनके साथ जो कुछ किया था जगन रेड्डी ने वो उसकी तैयारी उसको समतल करने की कोशिश और स्कोर बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये देखिए ऐसा नहीं कि उनकी नजर नहीं है, उनकी नजर पूरी है लेकिन वो मौके पर ही शॉट लगाएंगे, इससे वो वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ होना भी नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का धनंजय बाबू जरा ज्यादा अच्छे से बताएंगे, इनका विशाल अनुभव है उनके साथ, उनकी स्थिति तो ये हो गई कि अब सबके पांव पकड़ रहे हैं, मोदी के पांव पकड़ने के बाद वो अफसरों के पांव पकड़ने लगे, कहीं भी किसी भी स्तर पर आज देखिए चिराग पासवान बोले हैं उन्होंने विरोध किया है, बाकी लोगों ने उनके 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 जेडीयू से आवाज आई है, वो जो त्यागी जी ने थोड़ा सा रिएक्ट किया है बहुत मामूली से, त्यागी जी को वेस्टर्न यूपी में गाजियाबाद में रहना है, त्यागी जी की दुकान बंद हो जाएगी, त्यागी जी को मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ, उनकी पूरी यात्रा शरद यादव और उनके साथ वो सब। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, मैं संक्षिप्त में बात खत्म कर रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी की जो हालत है, आज नरेंद्र मोदी की जो हालत है वो ये है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको कैसे काटा जाए। एक भाजपा नेता तो आज ये कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी आज शादी कर ले तो नरेंद्र मोदी कल 2 शादी कर लेंगे, ये समझ लीजिए आप इस लेवल तक चले जाएंगे, ये मेरा नहीं कहना, एक भाजपा नेता कहना है। तो ऐसे में उम्मीद बनती है कि जो अपनी जसोदा बहन है वो भी लौट आएंगी, वो तो राहुल गांधी अगर शादी कर ले तो ये स्थिति बनेगी, इसी से आप समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आनंद सर, आपकी मैं दोनों चीजें में छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगा। अरुण जी जी नहीं, मैं सर एक चीज बता दूं, मैं इसलिए हिंट दे दू बाकी गूगल करके, ये जो केसी त्यागी जी के बारे में अरुण भाई कह रहे हैं, इनका जो शुरुआती जहां से इन्होंने शुरू किया था जब जगजीवन बाबू को कुछ फोटो चुरा के ले जाके, जगजीवन बाबू के लड़के की फोटो चुरा के वहां से इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था, तो वो जरा गूगल कर लेंगे या कोई कोई भी किताब पढ़ लेंगे, इसमें बहुत सी जगह लिखा है कि इनकी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, किस फोटो को चुरा के इन्होंने
आज यहाँ पे आके बैठे हैं, तो चलिए ठीक है, केसी त्यागी जी का अपना, उनका वैसे उनके लड़के की जो कंपनी है वो बीजेपी के उसका काफी काम करती है, मतलब मैं इसलिए सब बता दूं, आप लोग खुद गूगल कर लीजिएगा। वो है एक एक दिक्कत जो 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 मेरे ख्याल में अभी दिक्कत है कि शायद 10 साल में, देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी ये सब चीजें ये आगे पीछे तो ठीक हो सकती हैं, मतलब देश पीछे जा रहा है, 140 नंबर पर पहुंच गया, वो सब भुखमरी है, बेरोजगारी है, लेकिन जो एक बेसिक फैब्रिक को जो मोदी जी तहस नहस कर रहे हैं ना, उसका तार तार कर दे रहे हैं उसको, मतलब वो जो हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई को इतनी बुरी तरह से झकझोर रहे हैं मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, सारे लोग मिलके, वो अगले 2-4-5-10 साल में पट पाएगा ये मेरे लिए मुझे मुश्किल लगता है। बाकी मुझे चीजें ठीक है, थोड़ा देश पीछे हो गया, 10 साल में नहीं 20 साल में वहां पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो खाई बढ़ा के ये जा रहे हैं, ये कैसे खाई खत्म होगी, ये चैलेंज शायद देश के लिए ज्यादा बड़ा होगा। जी सुधीर सर, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी और मैं अपना धनंजय जी और मीनू जी से समाप्त करूं, बहुत छोटी। देखिए संजीव जी, मोदी सरकार की संघीय व्यवस्था मानवीय मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं है, जिस तरीके से उनका आचरण या जिस तरीके से उनके फैसले हैं। जहां तक आप गौर कीजिए कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों सरकारों ने जो आपदा प्रबंधन के तहत पैसा मांगा है उनका हजारों करोड़ रुपया अभी तक बकाया है। बंगाल में और केरल में कई बिल जो है वो राज्यपालों की मेज पर अभी तक अटके हुए हैं। इसके अलावा जहां तक चंद्रबाबू नायडू की बात है, तो ये चंद्रबाबू नायडू और मोदी के साथ जो है बेर केयर को संघ, इसको मान के चलिए कह रही कैसे निभे बेर केयर को संघ। चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत यह है कि उन्होंने चुनाव बीजेपी के साथ बिना शर्त गठबंधन के तहत लड़ा है, जब तक उनको कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिलता है तब तक वो समर्थन वापस नहीं लेंगे, और उनको बिल्कुल कंगाल प्रदेश विरासत में मिला है, और अमरावती जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है या अन्य कई योजनाओं के लिए, या विशेष दर्जा नहीं भी मिले या विशेष पैकेज मिलने के बाद वो तय करेंगे कि क्या सलूक करना है या क्या सलूक नहीं करना है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जैसा कि आनंद वर्धन जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो फसीले और फासले खड़े किए जा रहे हैं वो सर्वाधिक चिंता का विषय है, और मानवीय मूल्यों को, सहिष्णुता को, सदाशयता को, सामंजस्य को बलाय ताक रखकर जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी काम कर रही है, उस सबकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय सर, ये जो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर तो बड़े रहे हैं नायडू जी, उनके साथ तो वो मुस्लिम वोट बैंक भी खोलकर सब कुछ चीजें क्लियर है, फिर भी एक चुप्पी, या ठीक है वो जो शायद मुझे लगता है वक्त के इंतजार की जो बात है वही कुछ हो रहा है कि बजट में क्या कुछ मिलता है। आपकी टिप्पणी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, बहुत छोटी सी टिप्पणी। बिहार की और नीतीश कुमार की स्थिति बाकी देश के राज्यों और मुख्यमंत्रियों से अलग है। बाकी जगह क्या है कि आपका कॉम्पिटिटर एक है, नीतीश कुमार के वहां कॉम्पिटिटर दो हैं, तो अब दोनों से कैसे लड़े, तो कभी इसको मित्र बनाते हैं कभी उसको मित्र बनाते हैं, तो दोनों कॉम्पिटिटर भी हैं दोनों मित्र भी हैं, और उसकी मजबूरी यह है कि उनको लगता है कि बिहार में अगर कोई बदलाव आएगा तो हम ही ला सकते हैं, हम जब तक हम जिंदा हैं बदलाव बदल दें बिहार को, क्योंकि बिहार बदलने वाला आगे है नहीं, बिहार के स्वभाव से परिचित है, बिहार के नागरिकों के स्वभाव से। अब उसके बाद फिर उनको हमेशा लगा रहता है कि क्या करें, बिहार तो इंडस्ट्री वहां है नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर का क्या क्या हालत है वो देश को पता है, किसान जो है दिल्ली नहीं जा सकते हैं बेचारे, लंदन क्या जाएंगे किसान, तो ये हालत है बिहार के किसान तो और मजबूर हैं, चूंकि वहां सीमांत किसान बहुत ज्यादा है, 1 बीघा 2 बीघा 2.5 बीघा 5 बीघा वाले किसान सबसे ज्यादा है, और अब तो बचे भी गाँव में वही लोग हैं, शहर में चले गए जो बाकी किसान थे, दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, कहाँ कहाँ चले गए। तो नीतीश कुमार को पैसे चाहिए। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और वहां उस समय भी पैसे मिलते रहे, बल्कि मनमोहन सिंह के समय में बिहार ने ज्यादा तरक्की की, अक्सर 11-12% जो है उसका ग्रोथ रेट रहता था, और बिहार अभी तो सबसे नीचे स्तर पर चला गया है, क्योंकि मोदी जी ने भी बिहार के साथ वो भाव रखा नहीं, मोदी जी को तो गुजरात दिखाई पड़ता है या अडानी अंबानी दिखाई पड़ते हैं जैसा लोग बताते रहते हैं, हमको उतनी जानकारी भी नहीं, चूंकि मोदी जी से मैं कभी मिला नहीं, ना अडानी जी से मिला, मैं तो सोच रहा था अंबानी जी की शादी है मुझे निमंत्रण आएगा आया नहीं। थोड़ी सी संक्षिप्त कर दीजिएगा, मैं एक मीनू जी से मिलूंगा, आप करिए, आप कंप्लीट करिएगा। नहीं तो वही मैं बतला रहा हूँ कि इसलिए नीतीश जी की स्थिति अलग है, लेकिन अब समझना है कि क्या इस देश के नागरिक देश में संघीय ढांचा चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि विविधताओं वाला देश हमारा बना रहे,
और मुझे लगता है देश के बहुसंख्यक नागरिक ये चाहते हैं और ये हमारे देश की खासियत है, इसको आप एक डंडे से नहीं हांक सकते। अंग्रेज बहुत ताकत लगा लिए, 190 साल रहा, उसने भी देश को एक बना के नहीं रख सके, लगातार उनके सामने समस्याएं आती रही। ये तो बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है हम धीरे धीरे निकल करके आएंगे। एक दाव में फंस जाते हैं, अन्ना के चक्कर में भी फंस गए थे दिल्ली वाले, हम लोग फंस गए थे, लेकिन उससे भी निकल आए हैं, तो ये भी निकल आएंगे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी, अंतिम आपकी टिप्पणी पर समाप्त कर जी। अनम्यूट करिए। देखिए, मेरी तो चिंता केवल इस देश के सामाजिक सौहार्द की है। जिस तरीके से ये नया एक और, मतलब ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव हारने के बाद इस तरीके से दोबारा उस एजेंडा के ऊपर पूरी वेंजेंस के साथ उतर के आ जाएंगे, और न केवल केंद्र से उसका मुख सहमति रहेगी, राज्यों से भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो है ये एक बड़े खतरे की तरफ ले जाने वाली चीज है हमारे देश को। तो वो माहौल भी बिगड़ेगा, प्रोग्रेस भी रुकती है, और एक उसमें जो एक समाज का एक तबका है, जो जीवंत लोग हैं, उस देश के कुछ एक परसेंटेज आबादी है, मैं उनके आत्मसम्मान को इससे बड़ी चोट नहीं पहुंच सकती। मैं तो उनकी जगह खुद को रख के देखती हूँ कि मेरी दुकान है बाजार में और मुझे इस तरीके का आदेश दिया गया है। ये हिटलर के नाजी जर्मनी के समय में होता था, यहूदियों की दुकानों में वो डेविड का स्टार जो होता है वो लगाने की उनको ये था कि लगाया जाए ताकि पता रहे कि आप ये यहूदी की दुकान है और यहाँ से सामान खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। और बाद में फिर उन दुकानों का विध्वंस भी हुआ, क्रिस्टल नाक्ट हुआ, जो नाइट ऑफ क्रिस्टल्स हुआ, वो उसी का नतीजा था कि वहां निशानदेही हुई और उसका ये पता। और ये जो निशानदेही है ना संजीव जी, जो आज लिखने की जो बात हो रही है कि लिखा जाएगा, तो वो जो लिखा जाएगा वो एक तरह का इनके पास डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा जी। कि भाई कितने हैं मुसलमान यहाँ पे जो धंधा कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा किसी ना किसी माने वहां बुलडोजर चलेंगे उन दुकानों पे। आप देख लीजिएगा ये कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद दे रही है उसके, या खत्म होने के इसके दौरान ही। तो बहुत ज्यादा खतरे का ये सूचक है और इसके बारे में लगातार आवाज उठाई जानी चाहिए आपके चैनल से। तो और आप जैसे और अन्य जो हम प्रोग्रेसिव चैनल्स हैं वो सभी इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं और लगातार इसको मुद्दे को ज्वला जिंदा रखा जाना चाहिए कि हम विरोध में खड़े हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शानदार अच्छी चर्चा। और जो आनंद सर ने जो व्यक्त किया सबसे जो चिंता और बाकी सभी पैनल से निकल कर आया कि भले ही हम कई कुछ मामलों में पीछे हो जाए, वहां तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जो गंगा जमनी तहजीब है ये यदि एक बार नष्ट हो गई तो इससे उभरना, इसको वापस हमें खड़ा करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छी चर्चा के लिए मीनू जी आपका, धनंजय सर आपका, आनंद सर आपका, और उसके पहले हमारे साथ जो पैनलिस्ट हमारे जुड़े हुए थे, चाहे वो अरुण दीक्षित जी हो, सुधीर जी, सभी का धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकल कर आता है कि जो जिस राह पर चलाने या ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसमें जनता को ही सचेत होना पड़ेगा। और जो देश का सुधी जो नागरिक है वो नहीं जागेगा, तो ये जो इस तरीके के प्रयास हैं उसमें कहीं सफलता मिलेगी, ये जो बांटने वाली राजनीति, बांटने पर नुकसान होगा, देश का भला कतई होने वाला नहीं है। इस चर्चा में इतना ही, हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा जो नियमित अनुरोध रहता है वो मैं दोहराऊंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर एक कमेंट कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।